चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा एडीए क्वेश्चन पेपर जो कि 2016 का है। ये एडीए का क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ये आईपीसी से आया हुआ है। किससे? आईपीसी, आईपीसी से। तो अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करना है किसको? दी पनिशमेंट, पनिशमेंट को विच इज नॉट, जो कि नहीं है प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड कहां? अंडर दी कैटेगरी, कैटेगरी में ऑफ पनिशमेंट इन इंडियन पिनल कोड। क्योंकि सारी की सारी पनिशमेंट्स कहां पे प्रिस्क्राइब है? आईपीसी में। और उसको आइडेंटिफाई करना जो कि आईपीसी में प्रिस्क्राइब नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं ए, क्या कहता है? ए डेथ, डेथ आईपीसी में प्रिस्क्राइब है। और ये सारी की सारी पनिशमेंट सेक्शन 53 में प्रिस्क्राइब है। इसमें 5 टाइप की पनिशमेंट्स दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं हम। डेथ पेनल्टी भी आईपीसी में प्रिस्क्राइब की गई है। नंबर 2 यानी बी क्या कहता है? इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, ये भी प्रिस्क्राइब की गई है। सी क्या कहता है? सिंपल इम्प्रिजमेंट यानी साधारण कारावास विद, किसके साथ? हार्ड लेबर, हार्ड लेबर के साथ। डी क्या कहता है? फॉरफीचर और प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी का जब्तीकरण। ए ये भी प्रिस्क्राइब किया गया है आईपीसी में, बी भी है और डी भी है। ये डी सी प्रिस्क्राइब नहीं की गई है आईपीसी में, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 एक लैटिन मैक्सिम है, लैटिन मैक्सिम है। ये मैक्सिम क्या कहता है? दी मैक्सिम एक्टस नॉन फिशिट रियम, निसी मीन्स सिट रिया, यानी हमें इसका मतलब बताना है। तो इसका ए क्या कहता है पॉइंट? कि प्रोहिबिटेड एक्ट, जो कि प्रोहिबिट किए गए हैं एक्ट, कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस, वो ऑफेंस हो जाएंगे। तो ये भी इसका मीनिंग नहीं है। बी क्या कहता है? गिल्टी इंटेंशन, जो कि हमारी एक इंटेंशन होती है, गिल्टी इंटेंशन, किस इंटेंशन से हम कोई काम कर रहे हैं, ऑफ द अक्यूज, किसकी? अक्यूज की, कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस। तो ये भी नहीं होता, खाली गिल्टी इंटेंशन के साथ में इसका मीनिंग नहीं निकलेगा। डी सी क्या कहता है? नाइदर, ना ही गिल्टी इंटेंशन अलोन नॉर प्रोहिबिटेड एक्ट अलोन, यानी ना ही गिल्टी इंटेंशन अकेला और ना ही प्रोहिबिटेड एक्ट अकेला कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, एक ऑफेंस नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। डी क्या कहता है? प्रोहिबिटेड एक्ट फॉलोड बाई गिल्टी इंटेंशन, जो कि कोई एक्ट प्रोहिबिट कर दिए जाते हैं, अगर वो हम करते हैं किसके साथ? गिल्टी इंटेंशन के साथ में, तो वो क्या हो जाएंगे? एक ऑफेंस हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट, जब कोई क्रिमिनल एक्ट इज डन किया जाता है बाय सेवरल पर्सन, कई लोगों के द्वारा, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, किसमें? कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन कहां डिफाइन की गई है? ये सेक्शन 34 में डिफाइन की गई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सेक्शन 34 भी देख सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इसमें क्या कहता है? ईच ऑफ सच पर्सन, इफ ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल, लाइबल होगा किस लिए? फॉर द एक्ट, फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर, उस मैनर में लाइबल होगा जैसे कि एज इफ, मानो इट वर डन कि वो उसने किया है बाय अलोन हिम। ये नहीं कि सारे के सारे एक साथ मिलके कोई करते हैं तो सबको उसके अलग अलग, जैसे किसी ने चोरी की, किसी ने मर्डर किया तो उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाएगी, नहीं, वो ये समझा जाएगा कि वो पूरा एक्ट उसने अकेले ने किया है। ये
बी क्या कहता है, ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर इज ओन एक्ट, ओन ओवर एक्ट, कि वो अपने एक्ट के लिए लाइबल होगा, नहीं। सी क्या कहता है, ईच ऑफ सच पर्सन शैल बी लाइबल, लाइबल होंगे अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट, उस हद तक लाइबल ऑफ हिज पार्टिसिपेशन इन क्राइम, कि किसी ने हथियार खरीदा कोई एक्ट करने के लिए, मर्डर करने के लिए, कि वो उस हद तक ही लाइबल होगा कि उसने हथियार खरीदा, नहीं, कॉमन इंटेंशन में ये समझा जाएगा कि वो क्राइम उसने अकेले ने ही किया है। ठीक है, डी क्या कहता है, बी एंड सी, नहीं, तो इसका आंसर आएगा ए, कि ईच सच पर्सन इज लाइबल, लाइबल होगा फॉर दैट एक्ट, उस एक्ट के लिए, इन द सेम मैनर, उस मैनर में लाइबल होगा कि एज इफ, मानो इट वर डन बाय अलोन हिम, कि उसने अकेले ने वो एक्ट किया है। चलिए, तो हमारे क्वेश्चन तीन हो गए हैं, अब क्वेश्चन नंबर चार की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है, कि कंसिडर, कंसिडर कीजिए फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो नीचे दी गई स्टेटमेंट्स को उनको कंसिडर कीजिए। एक्ट्स द एक्टर सीरियस इज मेड अप, एक्टर सीरियस कब होती है, नंबर वन क्या कहता है, ह्यूमन एक्शन, जो कि ह्यूमन एक्शन होता है, विच इज यूजुअली टर्म्ड एज कंडक्ट। नंबर दो क्या कहता है, रिजल्ट ऑफ सच एक्ट, उस एक्ट का रिजल्ट, इन द स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेज, कि कोई स्पेसिफाइड है सर्कमस्टांसेज, विच इज डेजिग्नेटेड एज इंजरी। अब देखते हैं इसे क्या कहते हैं, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज अबो आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, तो ये दोनों ही करेक्ट है, तो अब बात करते हैं, आंसर आएगा इसका सी, सी, और ये तो डी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है, ये क्वेश्चन भी आईपीसी से लिया गया है, कहां से, आईपीसी से, कि ए, ए कोई व्यक्ति है, पुट्स ज्वेल्स इनटू ए बॉक्स बिलोंगिंग टू जेड, कि ए है जो कुछ ज्वेलरीज को एक बॉक्स में रखता है, वो बॉक्स किससे संबंधित है, जेड से, किससे संबंध रखता है, वो जेड से, विद किसके साथ, द इंटेंशन, क्या इंटेंशन उसकी, दैट दे मे बी फाउंड इन दैट बॉक्स, कि वो उस बॉक्स में पाई जाएंगी, एंड दैट दिस सर्कमस्टांसेस मे बी कॉज जेड टू बी कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट, कि जेड थेफ्ट के लिए कन्विक्ट किया जाएगा। ए हैज कमिटेड, कि ए ने कौन सा क्राइम किया है इसमें, चीटिंग, नहीं, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, नहीं, सी थेफ्ट, नहीं, डी फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, कि वो फैब्रिकेट कर रहा है फॉल्स एविडेंस, झूठे तथ्य बना रहा है, साक्ष्य बना रहा है, तो इसका आंसर आएगा डी। तो इसके लिए आप इलस्ट्रेशन ए, कौन सा इलस्ट्रेशन ए, सेक्शन 192 देख सकते हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए, सेक्शन 192। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज इनकम्प्लीट ऑफेंस। ठीक है, कि अबेटमेंट होती है किसी ऑफेंस को करने के लिए, इज एन इनकम्प्लीट ऑफेंस, कि इनकम्प्लीट अधूरा ऑफेंस है अबेटमेंट। भी क्या कहता है, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज कंटिन्यूइंग ऑफेंस। सी क्या कहता है, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज कंप्लीट ऑफेंस, कि अबेटमेंट है किसी ऑफेंस को करने के लिए, किसी को अबेट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, कंप्लीट ऑफेंस होगा, नहीं। डी क्या कहता है, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज एन ऑफेंस, ऑफेंस होगा डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कि केस की सर्कमस्टांसेस देखी जाएगी, नहीं, तो इसका आंसर आएगा ए,
अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज इनकम्प्लीट ऑफेंस, अबेटमेंट करना किसी भी व्यक्ति को या पर्सन को तो वो इनकम्प्लीट ऑफेंस माना जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ए एंटर्ड ए हाउस कमिट थेफ्ट, ए कोई व्यक्ति है वो एंटर करता है किसी घर में, किस लिए, चोरी करने के लिए। ओल्ड लेडी लिविंग इन दी हाउस, जो ओल्ड लेडी उस घर में रहती थी कोई, उस चोर को देख लेती है एंड शाउटेड फॉर हेल्प, और मदद के लिए चिल्लाती है। नेबर्स कलेक्टेड नियर दी हाउस, पड़ोसी होते हैं वो घर के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। एंड कॉज होल्ड ऑफ दी थीफ, उस चोर को पकड़ लेते पड़ोसी। हु वाज ट्राइंग टू एस्केप, जो भागने का प्रयास कर रहा था। द नेबर गिव दी थीफ बीटिंग्स विद फिस्ट एंड लाठी, उन्होंने उस लाठी के साथ में उस नेबर की पिटाई कर दी। द नेबर्स आर लाइबल फॉर, नेबर किस लिए लाइबल होंगे, ए सिमिलर इंटेंशन, बी कॉमन इंटेंशन, सी अनलॉफुल असेंबली, डी कॉन्स्पिरेसी। तो इसमें ना ही कॉन्स्पिरेसी आएगी, ना ही अनलॉफुल असेंबली आएगी, ना ही कॉमन इंटेंशन आएगी, इसमें सिर्फ सिमिलर इंटेंशन आएगी। तो इसका आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये भी आईपीसी से ही है। मोस्टली एडी के पेपर में आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए विलेज वैद्य, जो कि गांव में नीम हकीम जो वैद्य होते हैं उसके बारे में बता रही है। वैद्य यूज क्या यूज करता है, टू सक्सेसफुली ऑपरेट ए वाउंड, कि घाव को ऑपरेट करने के लिए विद सेविंग ब्लेड, सेविंग ब्लेड से उसको लेता है, काम में लेता है। विक्टिम जो कि पीड़ित है, वाज सफरिंग फ्रॉम पाइल्स, कोई एक बीमारी होती है ये उसके बारे में बताता है। वाज ऑपरेटेड विद सेविंग ब्लेड, किससे ऑपरेट किया, सेविंग ब्लेड से, बाय वैद्य, वैद्य के द्वारा। ड्यू टू प्रोपाउंड ब्लीडिंग, कि उसे उस ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग ज्यादा हो गई, द विक्टिम डाइड, विक्टिम मर जाता है। एंड द वैद्य वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर कॉजिंग डेथ, कि उस पर क्या प्रोसिक्यूशन चलाया जाता है, डेथ के लिए ऑफ द विक्टिम, विक्टिम की डेथ के लिए। इफ यू आर डिफेंस लॉयर, अगर आप डिफेंस लॉयर होते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड यू कैन डिफेंड द वैद्य, कि वैद्य को किस सेक्शन में डिफेंड करेंगे, सेक्शन 87 नहीं, सेक्शन 88, सेक्शन 92, डी नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर आएगा बी, बी क्या कहता है, सेक्शन 88 ऑफ द आईपीसी प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है, फॉर द एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर द पर्सन्स बेनिफिट, कि किसी पर्सन की बेनिफिट के लिए कोई एक्ट किया जाता है और उसमें उसकी डेथ हो जाती है, तो इसका हम बेनिफिट लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, ये केस लॉ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज स्ट्रक डाउन द पनिशमेंट ऑफ डेथ व्हेन ए प्रिजनर, जो कि कैदी कमिट करता है मर्डर व्हाइल अंडर द सेंटेंस फॉर लाइफ इन द केस, कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, देखो जब कोई प्रिजनर कैदी किसी का मर्डर करता है, ठीक है, उसके बारे में। तो ये था एक लैंडमार्क जजमेंट है, ये केस हिमाचल प्रदेश जुडिशरी के एग्जाम में भी पूछा गया था इस बार, और बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये तो आप इसको मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ए क्या कहता है, पॉइंट मिट्टू सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, बी रघुवीर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, सी बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, डी मारुवराम वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए, मिट्टू सिंह आएगा। तो इसके लिए आप सेक्शन 303 आईपीसी देख सकते हैं,
आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन सा 303 आईपीसी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये भी एक केस लॉ है, कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन वाज डिस्टिंग्विश इन दी फेमस केस। किस केस में इसको डिस्टिंग्विश किया गया था, कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन को? ए वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, नहीं, बी महबूब शाह वर्सेस एम्परर, सी कृपाल सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, इसमें भी नहीं किया गया था, ऋषिदेव पांडे वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, नहीं। तो इसका आंसर आएगा बी कि महबूब शाह केस में इसको डिस्टिंग्विश किया गया था, कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं, ये भी आईपीसी से ही पूछा गया, किसे? आईपीसी से। ठीक है, कि प्ली ऑफ सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन अंडर सेक्शन 300 एक्सेप्शन 1 ऑफ इंडियन पिनल कोड, ये क्या होगा? क्वेश्चन ऑफ लॉ, नहीं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, मिक्स क्वेश्चन एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, प्रजम्पशन अंडर लॉ। तो इसका आंसर आएगा बी, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ठीक है, एक्सेप्शन 1 ऑफ सेक्शन 300 सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, सेक्शन 12, ये भी आईपीसी से ही आया है, प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट आर टू स्टेज, किसी भी एक्ट को करने के लिए उसकी प्रिपरेशन और अटेम्प्ट, उसकी टू दो स्टेज होती हैं, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस को करने के लिए। प्रिपरेशन इज जनरली नॉट पनिशेबल, प्रिपरेशन जनरली पनिशेबल नहीं होती है, द रीजन फॉर मेकिंग प्रिपरेशन नॉट पनिशेबल, क्या रीजन है? तो ए क्या कहता है, लैक ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट, बी क्या कहता है, पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन माइंड बिफोर कमीशन ऑफ ऑफेंस, कि पॉसिबिलिटी हो जाती है कि प्रिपरेशन के बाद माइंड चेंज हो जाएगी, हमें नहीं ये गलत है, ये काम नहीं करना है, ये अपराध है, इस वजह से। अब सी क्या कहता है, एब्सेंस ऑफ इंटेंशन, इंटेंशन तो रहती है उस टाइम भी, डी एब्सेंस ऑफ अटेम्प्ट, नहीं। तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, कि पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन माइंड बिफोर कमीशन ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस के पूरा करने से पहले दिमाग में कुछ चेंजेस आ सकते हैं कि नहीं ये काम गलत है, ये एक अपराध हो जाएगा, मुझे सजा मिल जाएगी, इसलिए प्रिपरेशन और अटेम्प्ट को अलग अलग रखा गया, दो स्टेजों में रखा गया है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, ये क्या कहता है, केयरफुली सावधानी से रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि नीचे दी गई स्टेटमेंट को सावधानी से पढ़िए। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34, सेक्शन 34 के अनुसार ऑफ इंडियन पिनल कोड, रिक्वायरमेंट इज ऑफ 2% के सेक्शन 34 में 2% रिक्वायर होने चाहिए, जरूरी होने चाहिए, वेयर एज अंडर सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी रिक्वायरमेंट ऑफ 5%, कि 149 में 5 और 34 में 2%। नंबर 2 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34 आईपीसी कॉमन इंटेंशन इज रिक्वायर्ड, कि 34 में कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए, जरूरी है, वेयर एज अंडर सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड, ये सही है। नंबर 3 क्या कहता है, प्रीवियस कंसेंट इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 34 एंड 149। 4 पॉइंट क्या कहता है, सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 149 आईपीसी कॉन्स्टिट्यूट ए स्पेसिफिक ऑफेंस, तो इसके देखने कौन कौन से बिंदु, कौन कौन से पॉइंट सही हैं, 1 और 3, यहां पे 1 तो सही है ही, 2 भी सही है, लेकिन इसके अलावा देख लेते अगर कोई और भी सही हो, तो इसमें ऑप्शन 2 ही दे रखे हैं, और यानी बाकी ये तो गलत है, नंबर 1 पॉइंट और नंबर 2 पॉइंट सही है, तो इसका आंसर आएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की,
ये क्वेश्चन नंबर 14 सीआरपीसी से लिया गया है। व्हेन इज एन अरेस्टेड पर्सन, जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, एंटाइटल्ड होगा किस लिए, टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस, अपनी मर्जी की के वकील से मिलने के लिए एंटाइटल होगा। लेकिन वो किस प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग इंटरोगेशन या फिर आफ्टर इंटरोगेशन, सी थ्रू आउट इंटरोगेशन, डी होल। तो इसका ये सीआरपीसी से लिया गया है, तो सेक्शन नंबर 41D, कौन सा 41D, ये इसके बारे में बताता है। तो ये कोई भी व्यक्ति अगर अरेस्ट किया जाता है उसको, तो वो ड्यूरिंग इंटरोगेशन अपनी चॉइस के वकील से मिलने के लिए अधिकार रखता है। तो इसका आंसर आएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ये फिर से आईपीसी का आ गया। वेयर सेल द स्टेट गवर्नमेंट स्टेब्लिश ए पुलिस कंट्रोल रूम, कि स्टेट गवर्नमेंट पुलिस कंट्रोल रूम कहां पे स्टेब्लिश करेगी। कि बात करते हैं हम कि वेयर सेल द स्टेट गवर्नमेंट स्टेब्लिश ए पुलिस कंट्रोल रूम, पुलिस होगी जो स्टेट गवर्नमेंट होगी जो पुलिस कंट्रोल रूम कहां पे स्टेब्लिश करेगी। तो ये ए पॉइंट क्या कहता है इसका, इन डिस्ट्रिक्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट, बी एट स्टेट लेवल, सी एट पंचायत लेवल, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, डी ए एंड बी आर करेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी सीआरपीसी से लिया गया है, सीआरपीसी के सेक्शन 41C का सब क्लोज 1। तो इसका आंसर होगा डी, ओनली ए एंड बी, यानी एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पुलिस कंट्रोल रूम होता है और स्टेट लेवल पे भी होता है। तो चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन नंबर 16 भी सीआरपीसी से लिया गया है। मोस्टली क्वेश्चन इसके आईपीसी और सीआरपीसी एविडेंस से ही लिए जाते हैं एडीए के एग्जाम में। एनी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट एनी पर्सन, ठीक है, क्योंकि जब कोई प्राइवेट पर्सन किसी व्यक्ति को कब अरेस्ट कर सकता है, तो ये है सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी, देखिए कब अरेस्ट कर सकता है। ए पॉइंट क्या कहता है, कमिट्स नॉन बेलेबल ऑफेंस, कि नॉन बेलेबल ऑफेंस किया जाता है इन हिज प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस में, नहीं ये नहीं हो सकता। बी कमिट्स नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजिबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस, नहीं। सी क्या कहता है, कमिट्स कंपाउंडेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस, नहीं। डी क्या कहता है, कमिट्स नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजिबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस और इज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो ये आएगा एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को भी अरेस्ट कर सकता है। वैसे तो ये भी था लेकिन इसमें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और आ गया है, तो इसलिए आंसर आएगा डी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट सेल रिमेन इन फोर्स, की कोई वारंट है किसका अरेस्ट का, वो कब तक फोर्स में रहेगा। ए कहता है इट इज एग्जीक्यूटेड, जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। बी कैंसिल बाय द कोर्ट विच इशूड, जिस कोर्ट ने इशू किया है वो उसे कैंसिल ना कर दे तब तक। सी इट एक्सपायर ऑन इट्स ओन, अपने आप एक्सपायर हो जाए तब तक, कि वारंट कभी एक्सपायर नहीं होते हैं, या तो कैंसिल किए जाते हैं या एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा डी, ओनली एंड, यानी ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो क्वेश्चन नंबर 17 था, ये क्वेश्चन नंबर 17 सीआरपीसी से लिया गया है, लेकिन सेक्शन इसका है सेक्शन 17 सब सेक्शन 2, यानी 70 का सब क्लोज 2। अब बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन 18,
हु कैन रिकॉर्ड कन्फेशन, जो कन्फेशन होता है वो कौन रिकॉर्ड कर सकता है, एंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स को अंडर सेक्शन 164 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर, 164 में जो भी कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है वो कौन रिकॉर्ड कर सकता है, उसकी बात हो रही है। तो इसके रिकॉर्ड का प्रोसेस 164 सब क्लोज वन वन में दिया गया है कि ये क्या कहता है, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नहीं ये नहीं हो सकता। एनी बी क्या कह रहा है, एनी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज ज्यूरिडिक्शन। सी क्या कहता है, एनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नहीं। डी, एनी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिडिक्शन इन द केस, नहीं। तो इसका आंसर आएगा बी, ठीक है, कोई भी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज ज्यूरिडिक्शन, यानी कोई भी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ये सीआरपीसी से लिया गया क्वेश्चन। इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केस, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है किससे रिलेटेड, नॉन कॉग्निजेबल केस से, ए पुलिस ऑफिसर इज बाउंड, पुलिस ऑफिसर बाउंड है क्या करने के लिए, ए क्या कहते हैं, ओनली एंटर द इंफॉर्मेशन इन हिज डायरी, जो भी पुलिस वालों को केस डायरी होती है उसमें एंटर करने के लिए। बी क्या कहते हैं, ओनली रेफर द इंफॉर्मेशन टू द मजिस्ट्रेट, क्या मजिस्ट्रेट को रेफर करेगा इंफॉर्मेशन इसलिए बाउंड होगा, नहीं। सी क्या कहता है, अरेस्ट द अक्यूज, अक्यूज को अरेस्ट करना, नहीं। डी क्या कहता है, एंटर द इंफॉर्मेशन इन हिज डायरी एंड रेफर द इंफॉर्मेशन टू द मजिस्ट्रेट, तो इसका आंसर आएगा डी, 19 का आंसर है डी। इसका सेक्शन है 155 का सबसेक्शन 1, यानी 155 का सबसेक्शन 1 है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20, ये कहता है, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन कैन, कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है किसी भी केस को तो क्या कर सकता है, ये कहता है रिकॉर्ड कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज, नहीं, कन्फेशन तो सिर्फ मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा तो आप लोगों को पता है स्टेटमेंट और कन्फेशन कौन रिकॉर्ड करता है। बी, रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, ये भी नहीं हो सकता। तो सी क्या कह रहा है, कंपेल अटेंडेंस ऑफ पर्सन, पर्सन को कंपेल कर सकता है किसी अटेंड होने के लिए, एक्विंटेड, जो कि एक्विंट है विद द फैक्ट, फैक्ट से, एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, केस की सर्कमस्टांसेस के साथ में। डी कहता है बोथ ए एंड बी, नहीं ये भी नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा सी, कि कंपेल कर सकता है किसी पर्सन को जो कि एक्विंटेड है विद फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो फ्रेंड्स, हमने इसके आज 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, अब हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो, क्योंकि अब डे बाय डे मैं डेली एक एक दो दो पेपर डालता रहूंगा तो आपको इजी रहेगा आने वाले एडीए के एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर कोई भी जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, एडीए की तैयारी कर रहा है उनके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर आपको बहुत ही अहम योगदान देंगे आपके आने वाले एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।